नमस्कार, मैं कृपा सिंह, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आज पप्पू यादव ने पनास होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कह दिया है कि अगर 2024 में मोदी जी आते हैं तो वोट का अधिकार किसी को नहीं रहेगा। वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब IAS और IPS की जो नौकरी है, बड़े बड़े लोगों की नौकरी जो है RSS तय करेगा। पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे पप्पू यादव। जगजीवन बार दो बार डिप्टी PM बना, कहीं मूर्ति नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कभी चुनाव नहीं जीता, घर घर मूर्ति लगने जा रही है। इसलिए चिंता मत करिए, आपका कदम और आपका प्रयास उधर ही बढ़ रहा है। मैं तय कर रहा हूँ हर कदम उस ओर, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए और सभी जाति के सम्मान की रक्षा के लिए। यदि नीतीश जी ने अत्यंत पिछड़ों का विश्वास अपनी ओर लिया था और आज कहीं ना कहीं वो डगमगाया है, तो पप्पू यादव की जिम्मेदारी और उसके साथियों की जिम्मेदारी बचती है कि जाइए, जादव, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार, कुर्मी, कोरी, ये 5-6 जाति से अलग हटकर उन जातियों को जाकर के पैर छुइए और गोर लगिए और उनको कहिए कि नीतीश नहीं तो पप्पू तो है, और उसको अपने साथ जोड़िए और हर बड़े जाति को कहिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं पैर छूने आया हूँ। और इस तरीके से नीतीश जिस सपना के साथ बढ़ा था, और 24 के बाद PM नीतीश कुमार जी बने ना बने वो तो मैं नहीं जानता हूँ, वो इस देश का नेतृत्व तय करेगा, बिहार तय करेगा। हम सब के लिए खुशी का पल होगा जब एक प्रयास जो आज किया गया है यहाँ से, इसी बिहार के धरातल से, जो हमेशा कभी वैशाली के रूप में, कभी राजा अशोक चंद्रगुप्त के रूप में, तो कभी विक्रमशिला और कभी नालंदा के रूप में, कभी चाणक्य और चंद्रगुप्त के रूप में, तो कभी JP और गांधी के रूप में, पुनः एक बार एक प्रयास, और ये प्रयास लगातार जारी होगा। आज कुछ कुनबे हैं, कल और कुनबे जुड़ेंगे, हो सकता है कुछ हटेंगे कुछ जुड़ेंगे, लेकिन प्रयास लगातार। जिस तरीके से भारत के राष्ट्रीय झंडा को बचाने का निर्णय, बिहार के पुनः एक बार जो सबसे बड़ा लेनिन के बाद, जगदेव बाबू कर्पूरी के बाद जो सबसे बड़ी ताकत आज भी जिंदा है, वो लालू यादव, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, सबने हिम्मत हारी, उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, आज जिस प्रोग्राम पर खड़े होकर के यहाँ से एक विपक्षी एकता की शुरुआत हुई है, निश्चित रूप से यदि फिर से इस देश को नफरत की आग में ना झोंका गया और कोई नई पुलवामा और नया कोई गोधरा नहीं हुआ, एक नया कत्ल का आयाम देश में खतर नहीं हुआ, तो मुझको लगता है कि निश्चित रूप से इस देश की डेमोक्रेसी बचेगी, इस देश के संविधान को बचाने में बिहार अग्रणी भूमिका निभाएगा। 24 में जो सब व्यक्ति इस देश में कभी वोट नहीं गिरा पाइएगा आप 24 के बाद, यदि यह व्यक्ति रह गया तो, कभी यूरोपीय प्रणाली, सब कुछ खत्म, संविधान खत्म, बस एको हम द्वितीयो नास्ति, आपके सपने बिखर जाएंगे। UPSC की बहाली और BPSC की बहाली नहीं होगी, जो टॉप करके पढ़ लेंगे इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू लेने वाला RSS होगा, IAS तय करेगा RSS, कोई एग्जामिनेशन के द्वारा नहीं होगा, जज तय करेगा RSS, कॉलेजियम नहीं होगा। यहाँ जो यादव जी, राजपूत जी, भूमिहार जी लोग बैठे हैं, झा जी, अन जी मुसलमान जी लोग, याद रखिएगा इस बात का, ये कोई जाति का देश नहीं होगा, किसी भी जाति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, ये ख्याल रखिएगा। और यह देश आम आदमी का नहीं, पूंजीपतियों का देश हो जाएगा, और इस देश को पूंजीपति चलाएगा, RSS उसके राष्ट्राध्यक्ष होंगे, और आपका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होगा, RSS तय करेगा कि कौन सा टॉपर PG करने के बाद, टेक्निकल करने के बाद, किसको टॉपर में नौकरी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, ये तय वो करेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर 2024 में मोदी जी, यानी उनका साफ साफ कहना कि 24 में सत्ता परिवर्तन नहीं होती है तो वोटिंग का भी अधिकार नहीं रहेगा। साथ ही उन्होंने भी कर दिया कि अब आने वाले समय में
आम जनता का ये देश नहीं रह जाएगा, ये पूंजीपतियों का देश रह जाएगा और आरएसएस इसको कंट्रोल करेगी, आरएसएस के लोग इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहे।